मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा छत्तीसगढ़ की सड़कों के विकास के लिए दी गई 11,000 करोड़ की मंजूरी पर कहा कि अच्छी सड़कें विकास को तेज रफ्तार देती है। हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए संकल्पित है। निश्चय ही इस स्वीकृति से प्रदेश के आवागमन, औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को सरल और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। आदरणीय श्री अरुण साव जी और सभी मीडिया के साथीगण, आप सबका स्वागत है। आज हमारे भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी हम लोगों को एक बैठक में बुलाए थे। समीक्षा बैठक थी जिसमें छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी उनके विभाग से परियोजनाएं चल रही हैं उस पर विस्तार से समीक्षा हुआ। और बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर में 908 करोड़ रुपये सीआरएफ योजना के तहत उन्होंने स्वीकृति दी, जिसमें 8 रोड का निर्माण होगा। उसी तरह से केशकाल घाट के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य को 1 माह के भीतर स्वीकृति देने की उन्होंने सहमति दी है, जिसकी लागत करीब 318 करोड़ रुपए होगी। उसी तरह से धमतरी जगदलपुर मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण हेतु उसकी भी स्वीकृति की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत 1280 करोड़ रुपए होगा। और समस्त जो परियोजनाएं हैं, जिसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, उनका बड़ा विस्तार से उन्होंने समीक्षा किया है और सबको समय सीमा पर पूर्ण कराने के लिए विभाग को निर्देशित किया है। उसी तरह से NHAI के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर उर्गा पथलगांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु भी उन्होंने निर्देशित किया है। पथलगांव से कुनकुरी झारखंड मार्ग को 1 माह के अंदर उसकी एजेंसी निर्धारित करने के लिए भी उन्होंने विभाग को निर्देशित किया है। और रायपुर शहर के अंदर टाटीबन से तेली बांधा मार्ग के अंदर 3 ग्रेड सेपरेटर की भी उन्होंने स्वीकृति दी है, जो सरोना उद्योग भवन और तेली बांधा में बनेगा और इसकी लागत 680 करोड़ रुपये होगा। उसी तरह से विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेसवे को रायपुर धमतरी मार्ग से जोड़ने वाले जंक्शन पर भी एक ग्रेड सेपरेटर बनाने की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपया होगा। इसके अतिरिक्त 3 नए प्रोजेक्ट जिसकी लागत करीब 10,000 करोड़ रुपये होगी, उसकी भी स्वीकृति की सैद्धांतिक सहमति उन्होंने दे दी है और DPR बनाने के लिए उन्होंने आदेशित किया है। तो इस तरह से आज बड़ा सौभाग्य का दिन था छत्तीसगढ़ के लिए कि आदरणीय गडकरी जी ने हम लोगों को इतने सारे सौगात दिए हैं। और इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे।